In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today, I am talking about age limit of LLB. Law ke liye age limit kitni honi chahiye aur iska eligibility criteria kya hai. Main cheez jo aaj humne discuss karni hai wo age limit hai. Kya age limit ko khatam kar diya gaya hai ya nahi khatam kiya gaya? Kya wo jo policy jo create hui thi HEC ki taraf se kya abhi bhi wo mukammal hai ya isko inke remove kar diya gaya hai? Piche kaafi jo hai ek bill pass hua tha aur isko kaafi jo hai na nishan kiya gaya, share kiya gaya ki law admission test ne jo age limit hai wo khatam kar di gayi hai. ठीक है, इन तमाम कर हम देखेंगे ये सच भी हैं या नहीं सच, तमाम तरह गुफ्तगु क्राइटेरिया का डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉ के अंदर एज लिमिट थी वो बिल्कुल खत्म नहीं की गई है. 25 ईयर ये मुझे भी चीज रिसीव हुई थी लेकिन ये फेक है. हाई एजुकेशन कमीशन मेन चीज जो है ना, आपको कहाँ से मेन चीज हमें जज करना होता है, लैट का बार है, रिजल्ट का बार है, तमाम तरह जो चीजें आपने जिसके ऊपर एतबार करना होता है वो है जी HEC की वेबसाइट, हायर एजुकेशन कमीशन. इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो लोकल हैं, उनके ऊपर सच नशर हो सकता है, नहीं भी हो सकता. मेन चीज ये है क्या HEC ने 25 ईयर की जो एज लिमिट थी वो खत्म की गई है? नहीं की. हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एज लिमिट को खत्म नहीं किया गया. अगर नहीं किया गया तो कितनी एज लिमिट है, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, मीन्स कॉन्सेप्ट चलता है. 25 ईयर कह लेंगे वो बैचलर है, उसने बैचलर नहीं किया हुआ, वो FSC का स्टूडेंट है, FA का स्टूडेंट है, ISS का स्टूडेंट है, Alikum का स्टूडेंट है, या उसने कोई बैचलर डिग्री की हुई है. एक चीज कंफर्म है, उसकी एज 25 से बिलो होनी चाहिए, 25 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए. ये HEC की वेबसाइट के ऊपर भी सेम लिखा हुआ है. इससे बाद मैं जो बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट से चीजें देखकर, रिसर्च के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने चीजें को शेयर कर रहा हूँ, फेक चीज कोई नहीं है. 25 ईयर की जो एज है ये अभी तक जो है खत्म नहीं की गई. ठीक है, 25 ईयर की एज है. अब आपने बैचलर किया हुआ है, नहीं किया हुआ, आप 5 साल डिग्री में एडमिशन लेंगे, चाहे आपने बैचलर किया है, चाहे आपने FSC किया है, चाहे आपने HEC किया है, आपकी तालीम 16 है, आपकी तालीम 14 है, आपकी तालीम 12 है, आपका एडमिशन 5 ईयर LLB में होगा. 3 ईयर टोटली बैन हो चुका है. 3 ईयर सिर्फ एक LLB हो रहा है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बस वो HEC का नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश काउंसिल का है. ठीक है, वो आपको डिग्री बाहर की मिलती है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक लॉ है, वो है 5 ईयर. उसका क्राइटेरिया ये है कि 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, इससे बिलो होनी चाहिए. एक चीज, मार्क्स कितने होने चाहिए आपके, कम से कम मार्क्स 45% इन इंटरमीडिएट. ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर आपके कम से कम मार्क्स के एक पॉइंट भी अगर आपका कम है, किसके 45% से कम, एक पॉइंट भी अगर आपका कम है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता. 45% आपके मार्क्स होना बहुत लाजमी है, फिर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. लेकिन अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हो तो फिर आपकी लक है कि आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए. लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया लास्ट एज है वो है 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, आपकी एज 25 से बिलो होनी चाहिए, लैट टेस्ट के अंदर 50 मार्क्स आपके पूरे पास होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए. जो यूनिवर्सिटीज जो कॉलेज आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं कि आप टेस्ट ना दें, विदाउट टेस्ट आप एडमिशन ले दें, वो टोटली फेक है. वो आपको इनरोल करेंगे, इनरोल करने के बाद फीस लेंगे, एक दो सेमेस्टर गुजरने के बाद कहेंगे लैट टेस्ट इज नेसेसरी, HEC से नोटिफिकेशन आ चुका है, फिर आप अगर टेस्ट अल्लाह ना करे फेल होते हैं तो आपकी फीस जो जाया होगी वो जाया, रिफंड नहीं होगी, रिफंड नहीं हो सकती. ठीक है, तो आप विदाउट लैट क्लियर किए FSC में एडमिशन ना, सॉरी लॉ में एडमिशन ना लें, आपके मार्क्स 45 से कम है, तब लॉ में एडमिशन ना ले, वरना इस तमाम तरह फ्रॉड होगा. ये तमाम तरह गुफ्तगू थी जो मैंने आप सामने क्लियर कर दी है. आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. इसी के साथ मैं दीजिए इजाजत, हुमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन. थैंक यू.